नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। आज खबर की शुरुआत करेंगे दुष्यंत की कुछ पंक्तियों से। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन धारवाड़ा में हर साल इसी तरह की तस्वीरें जारी होती हैं, दावे भी खूब होते हैं लेकिन सूरत नहीं बदलती। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पहले पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास लोगों के बीच पहुंचते हैं, जल भराव के बीच जाकर लोगों की पीड़ा अपनी पीड़ा दिखाने का भी प्रयास करते हैं। यह पहली बार नहीं, हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमारे जनप्रतिनिधि जारी करते हैं। शनिवार करीब दोपहर 2:30 बजे DC अशोक कुमार गर्ग अधिकारियों के लाव लश्कर के साथ धारवाड़ा पहुंचते हैं। 4.5 घंटे से अधिक समय तक धारवाड़ा की समस्या को समझने के प्रयास भी करते हैं और निदान के निर्देश भी देते हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी का सिलसिला कभी थमता नहीं। बस होता इतना है कि बरसात के मौसम में पानी का फ्लो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात समस्या कोई नई नहीं है। लोग भी इन समस्याओं के आदि हो चुके हैं, क्योंकि DC ही नहीं, मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री, सभी के सामने इस समस्या को रखा जा चुका है लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। DC अशोक कुमार गर्ग भी शनिवार को धारवाड़ा पहुंचते हैं, प्रयास भी होता हुआ दिखाई देता है। अब कहा यह जा रहा है कि मालपुरा के पास जो ड्रेन जा रही है उसमें धारवाड़ा के पानी को डाला जाएगा, इस ड्रेन के माध्यम से इस पानी को मसानी बैराज तक पहुँचाया जाएगा ताकि धारवाड़ा के लोगों को राहत दिलाई जा सके। अब फिर एक सवाल खड़ा होता है, इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं कर दिया गया? और यदि इतना करने से समस्या का समाधान हो जाता है तो जिन अधिकारियों ने आज तक समाधान नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल जवाब कुछ भी हो, लेकिन चारों तरफ जिस तरह से धारवाड़ा गंदे पानी से डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या कोई राहत धारवाड़ा के लोगों को मिलती है या यूं ही बीते सालों की तरह इस बार भी तस्वीरों का सिलसिला जारी रहेगा और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।